हेलो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीखने वाले हैं कि एन ओ एन सी क्या होता है कैसे काम करता है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि एन ओ एन सी क्या होता है कैसे काम करता है बस इस वीडियो को पूरा देखना तो है आपको ठीक है तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले तो हम जान लेते कि एनो क्या है कैसे काम करता है दोस्तों मैं आपको बता दू एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन यानी कि उसका कॉन्टेक्ट जो रहता है वो खुला रहता है मैं आगे आपको और भी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ सबसे सब पहले तो मैं आपको इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे दू तो यहाँ पे है देख सकते मेरे पास ग्रीन पुश बटन है एनो पुश बटन है ठीक है इसे इसे हम स्टार्टर में ऑन करने के लिए इस पुश बटन का यूज करते हैं मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं पुश बटन तो ये सिर्फ दबाने के लिए होता है और इसमें एक इंडिकेटर होता है मतलब ऑन होने पर ही इंडिकेटर इसमें ग्लो होता है चालू होता है ठीक है तो सिर्फ इसका इतना ही काम होता है तो हमारा है ठीक है है, इसे हम भी कहते हैं इसके पीछे लगता है इस पुश बटन के पीछे लगता है तो ये जो होल देख रहे हैं ना आप तो ये जो पॉइंट है दबाने वाला पॉइंट होता है तो इसे हम दबाते हैं तो ये चालू हो जाता है मतलब काम करने लगता है ठीक है और यही इसके पीछे है दो टर्मिनल है एक साइड से इनपुट फेज देना होता है दूसरे साइड से आउटपुट फेज लेना होता है मतलब कहीं से भी इनपुट आउटपुट फेज हम ले सकते हैं तो यही जो होल देख रहे हैं इसके Uh, अंदर है पॉइंट चला जाता है ठीक है इस तरह से है चला जाता है और ये जो स्क्रू है हम इसे कस देते इसे टाइट कर देते ताकि ये फिक्स रहे ठीक है और जब भी हम इस पूज बटन को इस तरह से दबाते हैं तो इसका अंदर का ये पॉइंट है दबने लगता है तो अब हम जान लेते हैं कि एनो कैसे काम करता है तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ तो दोस्तों आपको आसान तरीके से समझाने के लिए सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट डायग्राम निकाला हुआ है तो यहाँ पे जो पूज बटन के पीछे वाले दो पॉइंट है ना मैंने कहा था ना आपको यहाँ से एक साइड से इनपुट फेज देना है दूसरे साइड से आउटपुट फेज लेना है कहीं से भी ठीक तो है तो ये जो दो पॉइंट पुश बटन के ना तो यही पॉइंट है यह है ये पुश बटन के दो पॉइंट पॉइंट पे मैंने एक को इनपुट फेज दे दिया है साइड से आउटपुट लिया है और बल्ब को दे दिया है ठीक है यहाँ पे है हमारा लोड है आपका लोड कुछ भी हो सकता है मोटर हो सकता है ठीक और यहाँ पे मैंने न्यूट्रल बल्ब को डायरेक्ट दे दिया है सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था आपको कि एनो का मतलब क्या होता है में नॉर्मली ओपन यानी कि इसका नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट खुला रहता है इस तरह से कॉन्टैक्ट क्या है खुला रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनपुट फेस एक पॉइंट को दे दिया है तो यहाँ पे इसके आगे सप्लाई जाएगा बढ़ पाएगा इसके आगे सप्लाई नहीं क्योंकि इसका इस एनो पुश बटन का कॉन्टैक्ट क्या है ओपन है खुला है इसलिए इसके आगे सप्लाई नहीं जा पाएगा अगर मैं इस पुश बटन को इस तरह से दबाऊंगा मतलब इस तरह से मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो इसका कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे ही जो सप्लाई इनपुट फेज आ रहा था तो इस पट्टी के जरिए इस पॉइंट चला जाएगा और लोड को सप्लाई मिल जाएगा और यह लोड चालू हो जाएगा तो दोस्तों आप आप कहोगे कि आपने तो एनो पुश बटन का कह दिया कि इस तरह से काम करता है एनो पुश बटन कॉन्ट्रेक्टर का अलग तरीके से एनो होता होगा रिले का अलग तरीके से काम करता होगा टाइमर का अलग तरीके से काम करता होगा मैं आपको एक बात बता दूं अगर आपके इक्विपमेंट में आपके डिवाइस में अगर एनो है तो वो की तरह ही काम करेगा मतलब इसी तरह से ही काम करेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो दोस्तों अब हमने जाना कि एनो क्या होता है कैसे काम करता है अब हम जान लेते हैं कि एनसी क्या होता है कैसे काम करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रेड एनसी पुश बटन है लाल वाला एनसी पुश बटन है तो हम इसे स्टार्टर में ऑफ करने के लिए बंद करने के लिए इस पुश बटन का यूज करते इस्तेमाल करते हैं ठीक है ठीके? तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एनसी कैसे काम करता है तो मैंने आपको का मतलब क्या कहा था नॉर्मली ओपन है अब ओपनसी का मतलब क्या होता है नॉर्मली क्लोज यानी कि इसमें क्या होता है कॉन्टेक्ट क्या होता है क्लोज रहता है जुड़ा होता है ठीक है मैंने आपको पहले दिखाया था कि पुश बटन में क्या दिखाया था एक साइड से इनपुट फेज दे दिया था और दूसरी साइड से आउटपुट फेज नहीं

बटन को दबाऊंगा तो इसका सप्लाई कट हो जाएगा मतलब आउटपुट का सप्लाई चला जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टर में सप्लाई जा चुका है ठीक है जैसे मैं इस पुश बटन को छोड़ूंगा तो फिर से सप्लाई आ जाएगा ठीक है तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो ये कांटेक्ट क्या है ओपन हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ तक बहना बंद हो जाएगा और हमारा स्टार्टर क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा हमारा लोड बंद हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एनओ कैसे काम करता है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय